हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के ऊपर। एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला बोलते हैं। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है। ए इज इक्वल टू पी इंटू में 1 + r/100 और इसके ऊपर पावर ये टी लिखा हुआ है। यहाँ पे ए फॉर अमाउंट होता है, पी फॉर प्रिंसिपल होता है, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और टी फॉर टाइम होता है। इस फॉर्मूले से ना डायरेक्ट अमाउंट निकल जाती है। जैसे हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, कोई अमाउंट है, उस पे कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट का ब्याज लग रहा है और कितने टाइम के लिए लग रहा है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट उतने साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा यानी कि जो अमाउंट है वो पता चल जाती है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे इस टेबल से समझिए। पहले साल में लेट सपोज 100 रुपये हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 10% का रेट है। तो एक साल बाद जो है ना सिंपल इंटरेस्ट में 10 रुपये जुड़ेंगे तो 110 रुपये इसकी बन जाएगी अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्योंकि एक साल है तो 10 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा तो 110 रुपये एक साल बाद इसकी अमाउंट बन जाएगी। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में तो जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये सेम टू सेम रहेगा, उस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा तो 10 रुपये का लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इसके अंदर यहाँ इंटरेस्ट जुड़ के अमाउंट बन गया है 110, अब अगले साल के लिए ये प्रिंसिपल हो जाएगा तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगेगा, वो बनेगा 11 रुपीज। अब यहाँ आप सिंपल डिफरेंस देख रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है सिर्फ 10 रुपये लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है आपको 11 रुपये। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसमें जब कंपाउंड इफेक्ट लगता है इस फॉर्मूले की वजह से तो अमाउंट आपकी ज़्यादा आती है। तो सेकेंड ईयर के एंड में जो है ना सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में 120 रुपये हो जाएंगे लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में 121 रुपये हो जाएंगे। और जब तीसरे साल के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो तीसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट के केस में 10 ही रुपये लगेंगे जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 121 का 10% यानी कि 12.10 इतने रुपए लगेंगे। और तीसरे साल के एंड में सिंपल इंटरेस्ट के केस में टोटल अमाउंट बन जाएगी 130 लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट टोटल बन जाएगी 133.10। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आती है। ये होता है डायरेक्ट अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे 100 रखूँ और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पे मैं 10 रखूँ और टाइम यहाँ पे मैं 3 ईयर्स का रखूँ तो लास्ट में जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू यहाँ पे जो आएगी फॉर्मूले में लगा के ये 133.10 आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले का जो यूज़ है ना वो सिर्फ इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं होता है, इस फॉर्मूले का यूज़ पॉपुलेशन के केस में भी होता है। जैसे जो पॉपुलेशन बढ़ती है ना किसी शहर की या कंट्री की वो कभी सिंपल तरीके से नहीं बढ़ती है, वो बढ़ती है कंपाउंडेड तरीके से। यानी जैसे 100 लोग किसी शहर में हुए, एक साल बाद वो 10 उसमें पैदा हो गए तो 110 हो गए, पॉपुलेशन 110 होगी। अब हर साल जो है ना 10 ही लोग थोड़ी बढ़ेंगे शहर में, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे उनकी शादियां होंगी, उनके भी बच्चे होंगे, तो उस तरह से जो कंपाउंड इफेक्ट लगेगा पॉपुलेशन पे, तो किसी शहर की पॉपुलेशन जो बढ़ती है वो कंपाउंडेड बढ़ती है और वो पता करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला जो है ना बढ़ने के लिए भी यूज़ होता है या कोई चीज़ कंपाउंड इफेक्ट से अगर घट रही है उसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये ए फॉर अमाउंट है, ये पी फॉर प्रिंसिपल है। अगर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी हो तो फिर वो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को और इससे रिलेटेड जो आप बुक के अंदर 7.3 में 3 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। अब करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। किसी जगह की पॉपुलेशन 5% पर एनम के हिसाब से बढ़कर 2003 के अंदर 54,000 हो गई है। पहले इतना लिख लेते हैं, 2003 के अंदर पॉपुलेशन बढ़कर हो गई है 54,000। अब ये बढ़ी है 5% पर एनम के हिसाब से, यानी हर साल 5% पॉपुलेशन बढ़ी है। दो पार्ट है क्वेश्चन के, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। ये 2003 में हो गई है बढ़ के, तो 2001 के अंदर पॉपुलेशन इससे कम होगी, वो कितनी होगी एक तो ये बताना है। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005।
और 2005 के अंदर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी ये आपने बताना है, ये दो चीजें बतानी है। अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था अमाउंट का, पहले मैं वो लिख देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 और पावर में ये टी फॉर टाइम हो गया। अब ये 2003 में बढ़कर हो गई है यानी कि इस पे कंपाउंड इफेक्ट लगा है, तो 2001 के अंदर ये इससे कम होगी, यानी ये तो है अमाउंट और ये है 2001 में जो होगा ये होगा प्रिंसिपल। तो जब मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करूंगा इट मींस कि यहां पे मैं प्रिंसिपल निकालूंगा वो मेरा आंसर होगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए मेरे को पी फॉर प्रिंसिपल ये मेरा क्वेश्चन है और यहां पर आर फॉर जो रेट है वो 5% पर एनम का चल रहा है, ये डिटेल्स मेरे को लिखनी है यहां पे। और जो टाइम है, टाइम देखिए 2003 में 54,000 हो गई है, मेरे से 2 साल पीछे की पूछी है तो 2 साल इसके ऊपर कंपाउंड इफेक्ट लगा है यानी 2 साल का टाइम है, तो टाइम यहां पे 2 ईयर्स का होगा। और अमाउंट 2 साल बाद बढ़कर हो गई है 54,000, तो 54,000 यहां पर है ये अमाउंट। ये डिटेल्स आपको समझ में आ गई है, ये 2001 के लिए। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें वैल्यू लगाते हैं और यहां से हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे वो पॉपुलेशन 2001 की होगी। ये फॉर्मूला है, एक बार मैं यहां पे फिर लिख देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस आर अपॉन में 100 और पावर में ये टी हो गया। अमाउंट की जगह पर हम लिखेंगे 54,000, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, इनटू में 1 प्लस रेट यहां पे है 5%, तो 5 अपॉन में ये 100 हो गया और टाइम है यहां पे 2 साल का, तो यहां पे हम 2 लिखेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, इधर ये 54,000 हो गया इज इक्वल टू में ये पी हो गया, ये 1 और ये प्लस 5 और 100 कट जाता है, 5 1 जार और 5 पे ये 20 पे जाएगा, तो ये आ गया है 1 अपॉन में 20 और ये पावर में यहां पे ये 2 है। नेक्स्ट स्टेप में 54,000 ये एज इट इज इक्वल टू में ये पी और इन ब्रैकेट इसे सिंप्लीफाई करेंगे 20 1 जार 20 और प्लस 1 21, ऊपर में हो गया 21 और नीचे हो गया ये 20 और इसकी पावर में 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 54,000 इज इक्वल टू ये पी, अब 21 बाय 20 ये पावर 2 लिखा हुआ है, इट मींस इसको हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इनटू में 21 बाय 20 और इनटू में 21 बाय 20। वैल्यू मेरे को यहां पी की चाहिए तो पी को मैं अकेला बचा लूंगा, बाकी सारी चीजों को मैं एक तरफ ले जाऊंगा, तो इस तरफ मैं इस पी को बिल्कुल अकेला बचा लूंगा। यहां लेफ्ट में लिखा हुआ है 54,000, पी के पास 21 इंटू 21 ऊपर लिखा है, तो ये जो दोनों 21 है ये यहां पर नीचे आ जाएंगे, पी के पास 20 20 नीचे लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ जाकर ये ऊपर लग जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 21 54 से कट जाएगा, दोनों जो हैं 3 से कट जाएंगे, 21 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा और 54 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 18 आएगा और यहां पे ये 1000 भी है, इट मींस कि ये 18,000 हो जाएगा। अगेन ये जो 21 है फिर 3 से कट जाएगा और 18,000 फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड होकर 7 आ जाएगा और ये 3 से डिवाइड होकर यहां पर 6,000 आ जाएगा। अब कुछ कटेगा नहीं, 6,000 20 और 20 से 7 तो कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 जार 12 12 2 जार 24 और उसके बाद में 1 2 3 4 5 5 0 लगेंगी और 24 आएगा, 24 1 2 3 4 5 ये ऊपर ऊपर सबका मल्टीप्लाई हो गया है 6,000 इंटू 20 इंटू 20 का, नीचे 7 7 जार हो गया है 49 और इज इक्वल टू में ये पी के बराबर है। अब आपको इसमें डिवाइड करनी पड़ेगी, डिवाइड आपको खुद करनी पड़ेगी, हमें वीडियो में करूंगा तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका पॉइंट में, ये आएगा 48979.59, ये पी के बराबर आएगा। अब यहां पॉइंट में आंसर आ गया है, पॉपुलेशन तो कभी पॉइंट में होती नहीं है, कोई आधा बच्चा तो पैदा होता नहीं है 0.5, तो राउंड ऑफ आपको आता होगा, जब पॉइंट के बाद 4 तक नंबर होता है तो हम वही नंबर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 5 आ जाता है या 5 से कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो यहां का जो नंबर है वो 1 बढ़ जाता है, तो ये 0.59 है ना, तो यहां पे 79 की जगह हम 80 लिख देंगे, वो हमारा अप्रोक्स में आंसर आएगा।
तो यहाँ फाइनल आंसर हम लिखेंगे 48,980। ये जो है ये हमारा प्रिंसिपल आ गया, ये हमारी वो पॉपुलेशन है जो 2001 में थी, ये शुरू में थी और फिर दो साल इस पे कंपाउंड इफेक्ट लगा तो ये 54,000 होगी। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर होगा 48,980। अब इसका करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने ये बताना है कि 2005 के अंदर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स जो 2003 के अंदर ये 54,000 है ये इससे तो ज़्यादा ही हो जाएगी, यानी इस बार ये प्रिंसिपल तो होगा 54,000 और हम जो फाइंड करेंगे वो होगा ए फॉर अमाउंट। तो पहले मैं ये वैल्यूज लिख लेता हूँ, इस केस के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो 54,000 होगा, रेट यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम वो ही चल रहा है 5% पर एनम, टाइम देखिए 2003 से लेके 2005 तक दो साल है ना, तो यहाँ पे जो टी फॉर टाइम होगा वो होगा 2 ईयर्स और यहाँ हमने फाइंड करना है ए फॉर अमाउंट, जो अमाउंट की वैल्यू आएगी उतनी ही पॉपुलेशन 2005 में हो जाएगी। फॉर्मूला लिखते हैं ए इज इक्वल टू पी इंटू में 1 + r / 100 और पावर में ये टी हो गया। तो ए हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल है 54,000 इंटू में 1 + रेट है 5 / 100 और टाइम है 2 साल का। सॉल्व करें तो 54,000 ब्रैकेट में ये 1 ये प्लस 500 कट जाएगा, 5 × 1 = ये 20 पे आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 1 / 20 और ये पावर 2 है। नेक्स्ट स्टेप में 54,000 ब्रैकेट को देखिए 20 × 1 = 20 और प्लस 1 तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 21 और अपॉन में ये 20 हो गया और इसकी पावर यहाँ पे 2 है। अब ये 2 बार है तो इसे हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 54,000 इंटू में 21/20 इंटू में 21/20। अब सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, जो आपको दिख रहा है इसे सिंपलीफाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 0 0 मैं काट सकता हूँ, 1 0 से ये 0 कट गया, दूसरी 0 से ये 0 कट गया, ये 2 है ये पीछे 0 है 540 में, तो 540 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा 540 को तो ये आएगा, इसका हाफ हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये 27 × 54 हो जाएगा तो 270 हो जाएगा, इससे ये 2 कट गया। फिर यहाँ भी 0 है, यहाँ पे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2 ये पूरा कट गया, 270 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 135। अब नीचे सब कुछ ख़त्म हो गया, ऊपर में 3 वैल्यूज़ हैं 135 इंटू में 21 और इंटू में ये 21, इन तीनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो ये आएगा 59535, ये फाइनल वैल्यू आ गई है, ये हमारा अमाउंट आ गया और यही आंसर है। तो 2003 के अंदर 54,000 पॉपुलेशन थी लेकिन 2 साल बाद वो 59,535 हो गई है, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है कि 2005 में ये पॉपुलेशन हो गई है 59,535, ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 देखिए, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। किसी लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट के दौरान जो बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं ना, जो ग्रो कर रहे हैं, वो 2.5% पर आवर के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, यानी हर 100 बैक्टीरिया पे 2.5 बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000। तो आपने बताना है कि 2 घंटे बाद बैक्टीरिया जो है उन सबकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी, यानी कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे अगर शुरू शुरू में वो 5,06,000 थे। अब यहाँ पर कंपाउंड इफेक्ट लगेगा, देखिए बैक्टीरिया जो बढ़ रहे हैं, लेट सपोज पहले 100 बैक्टीरिया थे, फिर 10 हो गए, अभी 110 हो गए ना, अब 110 में जो है ये 2.5% के हिसाब से बढ़ेंगे, ये जो 10 बैक्टीरिया बढ़े हैं ये खुद भी तो आगे बैक्टीरिया बढ़ाएंगे, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया होता है ये कंपाउंड इफेक्ट से बढ़ते हैं, तो यहाँ भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है यही अप्लाई करेंगे। यहाँ शुरू शुरू में जो बैक्टीरिया थे
एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले वो ये थे 5,06,000। तो ये हमारे लिए यहां प्रिंसिपल है, तो इसको हम प्रिंसिपल मानेंगे। तो प्रिंसिपल इसके अंदर हो जाएगा 5,06,000। फिर रेट ऑफ जो है इसमें ग्रोथ है वो है 2.5% पर आवर। यहां जो टाइम है वो आवर में चल रहा है और टी फॉर टाइम है यहां पे दो घंटे का हमको बताना है और फाइंड करना है हमें ए फॉर अमाउंट की वैल्यू। दो घंटे बाद जो ए आएगा उतने ही बैक्टीरिया हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू फिल करते हैं। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह लिखेंगे 5,06,000, 1 प्लस रेट है 2.5%, तो 2.5/100। ये जो 100 होता है ना ये परसेंट का ही होता है और टाइम है यहाँ पे 2। सॉल्व करते हैं तो 5,06,000 ये एज इट इज हो गया, इन ब्रैकेट 1 प्लस, इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 ऊपर और यहाँ पे नीचे ये बन जाएगा 1000 और इसकी पावर ये 2 हो गया। अब 25 और 1000 कट जाते हैं, 25 ones are 25 और यहाँ पे 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 5,06,000 हो गया और ब्रैकेट में हमको मिला है 1 + 1/40 और ये पावर 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 5,06,000 अब ब्रैकेट में बन जाएगा 40 × 1 = 40 और प्लस में 1 = 41, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 41 upon 40 और इसकी पावर ये 2 है। नेक्स्ट स्टेप में 5,06,000 इंटू में ये दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 41 × 40 × 41 × 40। अब यहाँ पे आपको आके कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। देखिए ये दो जीरो नीचे हैं, यहाँ पे ये दो जीरो हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी ऊपर नीचे की, इस जीरो से ये जीरो कट गई, यहाँ इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ये 5,060 लिखा हुआ है, तो पीछे 60 है ना, 64 से पूरा डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स ये पूरा जो नंबर है ना ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये जो 5,060 लिखा हुआ है। जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1265। ये डिवाइड आप खुद करना, तो ये 4 से पूरा कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा। अब इस 4 से ये नहीं कटेगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब 1265 की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी 41 से और फिर से 41 से, और नीचे बचा है हमारे पास यहाँ पर ये वाला 4। तो ऊपर ऊपर इन तीनों नंबरों का आपको प्रोडक्ट करना है, ये बड़ा सा आंसर आएगा। ये प्रोडक्ट जो आएगा ये आएगा 2,1,2,6,4,6,5 और फिर इसको करना है आपको 4 से डिवाइड। जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपकी डेसिमल में आएगी, डेसिमल में ये वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू बनेगी ये मैं लिख देता हूँ, डिवाइड आप खुद करना, 5,31,616.25। अब यहाँ आपको आंसर नहीं छोड़ना है, ये पॉइंट में आंसर आया है। बैक्टीरिया की जो काउंटिंग है वो कभी पॉइंट में नहीं होती है, बैक्टीरिया की काउंटिंग नेचुरल नंबर में होगी, तो इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, इट मीन्स कि इस नंबर को आपको यहीं पे छोड़ना है, बढ़ाना नहीं है। तो फाइनल आप अप्रोक्स में जो है 5,31,616 लिखोगे और यहाँ पर लिख दोगे अप्रोक्स, तो यही आपका आंसर है इसके अंदर। 5,31,616 बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 घंटे बाद। अब करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 देखिए। अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, एक स्कूटर 42,000 का खरीदा, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इसकी जो वैल्यू है हर साल 8% डेप्रिशिएट हुई है, डेप्रिशिएट का मतलब होता है उसकी वैल्यू घटना, उसकी कीमत का घट जाना। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो बताइए एक साल बाद उसकी जो वैल्यू है वो कितने रुपए की रह जाएगी। अब देखिए जब आप कोई चीज़ खरीदते हो एक साल बाद, जैसे गाड़ी वाड़ी कुछ भी होती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है ना, वो जो कीमत कम होती है ना उसे हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। अब यहाँ पे कीमत कम होगी
42,000 से कम होगी। तो इस पे कंपाउंड इफेक्ट जब लगेगा, फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम इसी तरह से दिखाई देगा, लेकिन जब कोई चीज घटती है ना, तो यहाँ पे 1 - R/100 आता है ब्रैकेट के अंदर, ये आप ध्यान देना। जब कोई वैल्यू बढ़ती है तो ये 1 + R/100 होता है, और जब घटती है तो फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ। तो शुरू शुरू में जब खरीदा स्कूटर तो 42,000 का था, तो इस केस में हमारे लिए जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 42,000, ये रुपीज है। और रेट जो घट रहा है वो है 8% पर एनम के हिसाब से, एक साल में 8% उसकी वैल्यू घट जाती है। हमसे एक साल बाद की वैल्यू पूछी है, तो टाइम हमारे लिए यहाँ पर एक साल है, और अमाउंट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। इस केस में जो अमाउंट आएगी वो 42,000 से कम आएगी। वैल्यू फिल करते हैं, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 42,000, 1 - रेट है 8%, यानी 8/100, और टाइम है एक साल का। सॉल्व करते हैं, 42,000 ये हो गया, और ब्रैकेट में 1 - 8/100, ये कट जाएगा 4 से काटेंगे ये 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो 1 - 2/25 हो जाएगा, और पावर यहाँ पे 1 लिखी जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में ये 42,000 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर 25 - 1 = 25, और इस बार माइनस है ना यहाँ पे, तो 25 में से 2 माइनस किया जाएगा, 23 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 23 आएगा और अपॉन में 25 आएगा। पावर 1 है तो 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 25 से 42,000 पूरा कट जाएगा, पीछे 2 जीरो हैं तो ये 25 से डिवाइड हो जाएगा। 25 - 1 = 25 होता है, इसे जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1680। तो नीचे तो सब खत्म हो गया, बचा है 1680 × 23, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 38,640। तो एक साल बाद जो स्कूटर की वैल्यू रह जाएगी डेप्रिशिएट होकर, वो इतने रुपीस रह जाएगी। तो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, वैल्यू ऑफ स्कूटर, लैंग्वेज में आप आंसर ज़रूर लिखना, अगर बुक में लैंग्वेज में क्वेश्चन है तो उसी लैंग्वेज में लास्ट में आंसर करके ज़रूर लिखना। वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू ₹38,640। ये इसका आंसर हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।